शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद भी प्रतापगढ़ जिले के पट्टी ब्लॉक के पूरे बसंत ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अध्यापक न होने के कारण पिछले एक वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर पढ़ने वाले ब्रिजेश जैसे चार गांव के 120 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हमारे गांव में ब्राह्मणपुर वाला स्कूल था पूर्व माध्यमिक, अब वो 2 साल से बंद है। हम लोग और दूर कहीं पढ़ने जाते हैं, 2-3 किलोमीटर, 1-1.5 घंटा तो लग जाता है आने जाने में। पढ़ाई तो होती है पर बहुत लेट लगता है, हम समय से नहीं पहुँच पाते। हम ये चाहते हैं कि स्कूल जो बंद हुआ है वो चले और हम लोग नज़दीक वाले स्कूल में पढ़ने जाएँ। समस्या है कि हमारे यहाँ एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बना है, लगभग हो गया 5-6 साल, लेकिन वहाँ बंद पड़ा है 1 साल से लगभग। वहाँ कोई अध्यापक ही नहीं रहता है। एक गिरिजी थे, वो गिरिजी जब रिटायर हुए तो अध्यापक ही कोई नहीं आया, बच्चे इधर से उधर चले गए। जब इधर से उधर चले गए तो पिछले दिसंबर में अध्यापक लोग आए, 2 लोग आए और 5-6 महीने रहे वो लोग, वो चले गए। जब कोई बच्चे नहीं थे क्या पढ़ाएं लोग, तो आप सब बच्चे कहाँ जाते पढ़ाए? हमारे सब बच्चे जैसे हरिपुर स्कूल है उनमें भेजा जाता है, नर्सरी में जाता है। अपन पढ़त लिखत है नहीं, स्कूल ढंग से चलत होते तो अपने गांव के स्कूल रहा, अपन ही पढ़ते लिखते। जब वो विद्यालय बंद हो गया, अध्यापक नहीं आए, तो ये लोग कहीं प्राइवेट में चले गए और कहीं सरकारी में। तो जो प्राइवेट में चले गए वहाँ हमारे भाई पैसा अतिरिक्त जा रहा है और हम लोग गरीब तबके के हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर विद्यालय चालू हो जाता है तो हमारे गरीब तबके के बच्चों को जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है या आने जाने में परेशानी भी हो रही है दूर के लिए, ये अपने ग्राम सभा में रहेंगे, आराम से पढ़ेंगे भी। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि तत्काल यहाँ पर अध्यापक की नियुक्ति हो ताकि यह विद्यालय चालू हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है कि प्रतापगढ़ जिले के BSA के मोबाइल नंबर 94-50-59-36 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं ताकि यहां पर अध्यापक की नियुक्ति हो और विद्यालय चालू हो सके। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।